नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश प्रदेश में जो कांवड़ यात्री हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो बड़े अच्छे से बीत रहा है, बड़े अच्छे से हो रहा है और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। आपने बीते दिनों देखा भी होगा कि किस तरह से कांवड़ यात्रियों पर सरकार के आदेश के बाद फूलों की वर्षा की गई, जगह जगह पर प्रशासन लगा हुआ था ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। जहां पर समस्याएं हो रही थी उन समस्याओं का हल करने का प्रयास भी तुरंत के तुरंत किया गया और कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी आईं जहां पर दूसरे धर्म के लोगों ने भी इन कांवड़ यात्रियों का स्वागत बड़े पैमाने पर किया, उन्हें पानी पिलाया, उन्हें जो भी सहूलियत हो सकती थी वो दी। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिल को बहुत सुकून देती हैं। हमारे और आपके दिल में ये बात अभी भी बैठाई जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे भी अब देश में जो हिंदू मुस्लिम की एकता है वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये प्रेम, ये सौहार्द कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और जिन्हें हजम नहीं हो रहा है उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान जारी किया गया है, ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि भाई साहब ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये दरअसल सेकुलर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये कांवड़ियों पर जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे का, सरकार के पैसे का फूल बरसाने में या फूल बरसा रहे हैं उस पैसे से और उस पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका इस्तकबाल जो है वो तिरंगों से हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश में कई चीज़ों पर पाबंदी लग गई है। लेकिन जब यही मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों समस्या होती है? उन नमाजियों के नमाज पढ़ने से उत्तर प्रदेश का कौन सा सौहार्द बिगड़ जाता है जो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है? ये सारे जो बयान हैं ये असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ट्वीट के माध्यम से और फिर उसके बाद मीडिया बाइट के जरिए दी है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान और उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास कहीं ना कहीं ये साफ साबित होता है कि असदुद्दीन ओवैसी अभी भी एक वोटर को टारगेट करके, टारगेटेड वोटर को फोकस करके इस तरह का जो बयान है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बयान से देश प्रदेश का जो सौहार्द है वो नहीं बिगड़ेगा? इस तरह का बयान देने का क्या मतलब बनता है जब हमारे देश में या हमारे प्रदेश में सभी धर्मों के लिए हर तरह की सहूलियत जो है वो सरकारें देती हैं? जिस मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करके असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है उनको ये नहीं पता कि क्या मुहर्रम के समय भी जुलूस नहीं निकलते हैं? क्या उस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता है उनकी सुरक्षा के लिए? क्या ईद सही तरीके से मनाई जाए इसके लिए मीटिंगें नहीं होती हैं? क्या हमारे देश में हज करने वालों के लिए सब्सिडी का इंतजाम नहीं है? क्या मदरसों में बेहतर शिक्षा हो सके इसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है? इस तरह के जब सारे काम, सारी योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं तो आखिर असदुद्दीन ओवैसी को कांवड़ियों से क्या समस्या हो गई और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या समस्या हो गई कि अगर उनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी लाल पीले हो रहे हैं? उनको क्यों लगता है कि ये सेकुलर सरकार नहीं है, इसमें सिर्फ एक धर्म को ही सुनी जा रही है, दूसरे धर्म के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं? कुछ मुद्दों को उठाया जाए या सिलेक्टिव मुद्दों को उठा करके ही असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का बयान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, देश में डिस्क्रिमिनेशन की बात भी कर रहे हैं, ये कितना सही है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांवड़ियों पर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से फूल बरसाया गया, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन लगा रहा, तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों समस्या हुई? और समस्या के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को समस्या हुई या इस पूरे वर्ग को ये समस्या हो रही है? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बयान सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का और उसके बाद बीजेपी का काउंटर सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ जो भारत के संविधान के खिलाफ है। भाई आर्टिकल 25 का हवाला देंगे भाजपा वाले, भाई इसमें आप बताइए आर्टिकल 25 का हवाला देंगे इसमें कौन सा, इसमें हो रहा है कि पब्लिक यहाँ पर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को हार्म हो रहा है नमाज पढ़ने से, कोई फसाद हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो आप इक्वली ट्रीट करिए, क्यों नहीं इक्वली ट्रीट करते? आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप तो वो तो नस्पे कायम नहीं है। इस समय देश में सावन का महीना चल रहा है,
इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। और यही सुविधाएं जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं, लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं और अपराधियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। जिन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, वहां आज कांवड़ियों से तुलना करके अपराध करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया और ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सेकुलर सरकार नहीं है, यहाँ पर कांवड़ियों पर फूल बरसाया जा रहा है और जब कुछ मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। ये उस देश और प्रदेश की बात हो रही है जहाँ पर बीते दिनों कई सारे जो बवाल हमने और आपने देखे धर्म के नाम पर हुए, लेकिन किस तरह से हमारे देश के देशवासियों ने, दोनों ही धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर उन सारी समस्याओं से लड़ करके एक बार फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। हम एक साथ रह भी रहे, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरह के बयान जारी करना, इस तरह की घटनाओं पर कटाक्ष करना, इस तरह की घटनाओं को लेकर के जो छिटाकशी है वो करना, सरकारों पर सवाल खड़े कर देना, कोई किसी के लिए क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस तरह के सवाल पूछना, ये कितना सही है, इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। कांवड़ियों के साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनको ये भी पता होगा कि कांवड़ियों के साथ जो भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुहर्रम के समय पर, ईद के समय पर या रोज़ा इफ्तारी के समय पर मुस्लिमों के साथ भी इसी तरह से होता है, तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी को ये सब नहीं दिखाई दिया। फिलहाल सभी मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं और आमिर साबरी साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये असदुद्दीन ओवैसी को साहब क्या बुरा लग गया, वो ये क्यों कह रहे हैं कि कांवड़ियों पर आप लोगों ने फूल बरसा दिया और हमारे पैरों की मालिश तक नहीं कर रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई सर इनको? देखिए, मालिश तो उनकी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, मालिश हो रही है, कहीं पैर पे भी हो रही है, कहीं पीठ पे भी हो रही है, तमाम तरह की हो रही है। जो जैसा करेगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही बता चुके हैं कि जो जिस शैली में, जिस भाषा में बोलेगा उसको उसी भाषा में, उसी शैली में जवाब दिया जाए। और जहां तक ओवैसी जी की बात है, ये देवासुर संग्राम अनादिकाल से चल रहा है और उस अनादिकाल से देवासुर संग्राम में देव अपना कार्य करते हैं, असुर अपना कार्य करते हैं, लेकिन सनातन परंपरा का ये प्राचीनतम पर्व है जिस पर्व को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यह श्रावण मास में प्रारंभ होता है। श्रावण मास में सर्वोत्तम मास माना जाता है शिव की उपासना के लिए जी। और जब हलाहल विष को शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया था और सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए शिव ने उस हलाहल विष को अपने गर्दन में, अपने गले पे उसको रोक लिया था, नीचे जाने पे उनके भी जीवन का खतरा था जी। उस परंपरा पे जान करके उनका महान भक्त रावण गंगा जल लेकर के वहां पहुंचता है, कांवड़ लेकर के, और उनका अभिषेक करता है। तमाम लोगों के अभिषेक से उनकी पीड़ा शांत होती है। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि लोग गंगा जल भर के शिवालयों में जाते हैं, शिवार्पण करते हैं। 14 जून से ये पर्व प्रारंभ हुआ था, 26 जुलाई को समाप्त हो गया जी। आज तो श्रवण मास भी समाप्त हो गया। नहीं तो जब इस देश में ये 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 परंपरा है, अब जहां तक इस परंपरा में लोगों की सेवा करने का, तो इनकम टैक्स खाली ओवैसी उद्देशी नहीं देते हैं, क्या नाम है उनका, ओवैसी जो भी उनका नाम है, जो भी नाम है उनका, वो नाम मैं उतना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया जाए जो समाज में भेद पैदा करते हैं। मैंने कहा कि परंपरा आपके सामने है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की सृष्टि के कल्याण के लिए विष को धारण करता है, उसके ऊपर, उसके लिए पूरा देश, पूरे लोग, पूरे नागरिक उसके लिए पैदल चल करके, एक बड़ी कठिन यात्रा होती है ये, जिसको ये लोग लेकर के जाते हैं, कहीं रखना नहीं होता, जमीन छूना नहीं होता है, तो वो चढ़ाते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं,
तो इनकम टैक्स वो लोग भी देते हैं जो कांवड़िए हैं, ऐसा नहीं है कि कांवड़िए इनकम टैक्स नहीं देते हैं, वो इनकम टैक्स फ्री है उनके लिए। अच्छा, ये भी इनकम टैक्स देने वाले वो भी है। ये भी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि जब हमारे लोग खुले में नमाज पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समस्या क्यों हो रही है, उनके घरों पर आप बुलडोजर चलवा दे रहे हैं और आपके यहाँ कांवड़ यात्रियां निकल रही है, सब कुछ ठीक है वहां पर। अब यही तो उन्होंने भावना भड़काने की बात की, नमाज खुले पढ़ने के लिए नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर ना तो पूजा की इजाजत है और ना ही नमाज की, यह कानूनी है, यह संवैधानिक है। तो संविधान तोड़ने वाला चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा दी जाएगी, उसमें उसको भेद करना कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए और इनको सजा दी जाए ऐसा नहीं, वहां कोई चिन्हित नहीं हो रहा है और कोई भेद नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका आज से यह हम अपना देश अपना संविधान चला रहे हैं और उसी से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अब खाली पूजा की एक भिन्नता ही तो है, अभी आपने कहा नमाज, खाली नमाज नहीं है, इनका एक टर का जुलूस निकलता है जिस टर के जुलूस को भी बहुत उल्लासपूर्वक लोग निकालते हैं, मुहर्रम के कई जुलूस निकलते हैं, कई फिरके हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में फिरके नहीं है, अनेक फिरके हैं। फिर इनके यहाँ बर्फबारी होती है, हर 6 माह बाद इनकी ईद होती है, तो इसमें जो भी कार्यक्रम है उन सबकी संरक्षा जो है वो कानून करता है, संरक्षण कानून देता है, संविधान देता है और समाज भी उनको साथ देता है। और इसीलिए जब हमारा पर्व पड़ता है तो वो समाज भी हमारे साथ खड़ा होता है। इस लखनऊ की तो परंपरा और रिवायत और रिवाज रही है कि जो यहाँ मंगलवार को यहाँ भंडारा लगता है तो लोग भंडारा लगवाने में कोई पानी पिलाता था, कोई कुछ करता था, सेवा करता था। तो अभी वो बहुत दूर से आए, उनको जानकारी नहीं है ओवैसी ओवैसी जी को, वो समाज में नफरत फैलाने का और बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक सर, मैं आता हूँ। नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। सिद्दीकी साहब, हमारे देश प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का बजट है, मदरसों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, मुहर्रम पर इंतजाम है, ईद पर बेहतर व्यवस्था रहती है, हज वालों को सब्सिडी दी जाती है, पांडे जी ने भी काफी कुछ बताया, उसके बावजूद आप लोगों को क्यों लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर सेकुलर सरकार नहीं है, कांवड़ियों से क्यों दिक्कत हो गई ये ओवैसी साहब को? देखिए, मैं सबसे पहले मैं नितिन जी आपका वेलकम करता हूँ। कहना मुझे ये है कि आपके चैनल माध्यम से कि जो देश के अंदर हो रहा है और कहीं तक के तो बहुत कुछ अच्छा भी है और कहीं कुछ गलत भी है। जैसे आपने कहा कि ईद पे सारी मस्जिदों में पुलिस प्रशासन शासन सभी सब वो हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और कहीं पर भी सारी सेवाएं रहती हैं, लेकिन उसमें कहीं पे जैसे कि है कि थोड़ा सा ये झलकता है कि जैसे कि सरकार के लोग होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो उनको उस तरीके से थोड़ा सा खुल के आना चाहिए कि लोगों में थोड़ा सा जो विरोधाभास है वो निकल जाना चाहिए। जैसे अभी कांवड़ियों का अभी चल रहा है, हम लोग भी वेलकम करते हैं कि किसी भी धर्म से, लेकिन मुझे भी बड़ी आस्था है कि किसी के धर्म को गाली मत दो। आपने किसी के धर्म नहीं नहीं सुनिए सुनिए, जैसे अभी आपने कहा कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप ये बताइए किस बात की विपत्ति है कि हम लोग अगर कहीं पर नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर कोई गंदगी फैलाते हैं, हमारी 15 से 20-25 मिनट तक नमाज होती है, क्या हम उस जगह पर कोई भी अपनी मस्जिद बना लेते हैं या पार्क में सार्वजनिक, जैसे कहा कि सार्वजनिक जगह पर या कहीं चौराहे पे हम लोग कोई मस्जिद नहीं बनाते हैं। देखिए, नमाज पढ़ी, हाँ हमारे लोगों में जैसे कि अभी आपने देखा कि हरियाणा में चल रही थी, रोक है, मनाही है, तो क्यों करते नहीं? नहीं नहीं सुनिए, जहाँ पे सब जगह यूपी में इंडिया में थोड़ी ना है, वो तो हरियाणा में ऐसा हुआ था और कुछ जगह में जैसे दिल्ली में है, 2-3 जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आबादी ज्यादा हो जाती है या जुमे में है या ईद की नमाज में है, वहाँ आदमी ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सड़क पे आ जाते हैं और उसके बाद 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यहीं पर जो आता है हम लोगों के साथ में, जैसे कि आपके मंगल मेला होता है, बड़ा मंगल मेला हुआ अभी पूरे लखनऊ भर में, आप ये बताइए सारे चौराहों पे होता है, मैं ये क्या पूछ रहा हूं कि सारे चौराहों की क्या उसकी वो ली जाती है? समझ लीजिए आप पूरी बात मैं कह रहा हूँ कि सारे चौराहों पर जो होती है, सारे आपके जो स्टॉल लगते हैं, पूरी जो भी बटता है, हर चीज़ है, हम लोगों को भी कोई किसी से इतराज़ नहीं, लेकिन कितना उस वक्त कितना डेस वो जो चौक हो जाता है, पत्थर फेंकते हैं लोग, नालियों में फेंकते हैं, कितना आवागमन को कितनी परेशानी हो जाती है, लेकिन कभी कोई मुस्लिम समुदाय का कोई भी नहीं कोई कहता है। लेकिन यही अगर हम लोग नमाज 15-20 मिनट की पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का ऑब्जेक्शन हो जाता है, इसलिए थोड़ी आपको नीयत साफ करनी पड़ेगी बस। और इस देश के प्रति जितना आप
लगाव रखते हैं उतनी मोहब्बत हम भी रखते हैं। अगर आपने आजादी में हिस्सा लिया तो आजादी के पर 60% नहीं नहीं आपको मैं अशोक जी को बताना चाह रहा हूँ, पांडे जी को बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि आज भी आप जाइए गेट ऑफ इंडिया के ऊपर 60% मुसलमानों की मतलब उसमें जो है हिस्सेदारी है, और आज भी आप अंडमान निकोबार में जाइए सबसे ज्यादा मुसलमानों की भी है कब्रें हैं। तो आप इसको मुझे मत दर्शाइए, जितना आपका हक है उतना हक है। लेकिन अब जैसे उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों के लिए चल रही थी, उन्होंने कहा कि उनके लिए फूल बरसाओ ये बरसाओ, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे मुसलमानों ने अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा संघ परिवार की एक रैली निकल रही थी, मुसलमानों ने उनके ऊपर फूल बरसाए। आपको भी यही चाहिए। मैं अशोक पांडे जी से कहना चाहता हूँ कि कहीं भी रमजान हो या ईद में हो आप जाके चार फूल आप भी डाल दीजिए। प्रशासन तो चाहता है कि करें लेकिन प्रशासन के साथ भी होती है। लोग क्या आपके रोजा इफ्तारी में शिरकत नहीं करते हैं? नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि करते हैं लेकिन जैसे कि अभी कहा गया कि उनके लिए वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये तो बहुत अच्छा पर्व त्योहार है सबका है आपका है और हिले मिले हम लोग दोनों आपस में मिले क्योंकि इसी हिंदुस्तान में हमको भी रहना है। अच्छा आप ओवैसी साहब के बयान को ठीक सब कह रहे हैं मतलब इसका नहीं? देखिए ओवैसी का देखिए मैं उनको वो कोई ना मैं उनको कोई चीज मानता हूं, वो जो बोलते हैं वो आप ठीक है। पांडे जी कुछ कह रहे हैं जवाब ले लें। पांडे जी क्या कह रहे थे? देखिए ये जो लाइश भारत भूमि है इसमें कण कण शंकर रज रज शंकर है और ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोग ही बेतुकी बात करते हैं जी। ये बेतुकी बात करने वालों का सिर्फ एक मकसद है पॉलिटिकल माइलेज लेना। अभी हमारे साथी कह रहे थे जितने भी ये स्टॉल यहाँ लगते हैं मंगलवार पर लखनऊ शहर में, वैसे तो ओवर ये पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होता, सिर्फ मंगलवार का लखनऊ में होता है बड़े मंगल पे, और वो सब प्रशासन से अनुमति के बाद ही हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बिना प्रशासनिक अनुमति के एक भी स्टॉल नहीं लगा। तो आपको भी अगर सड़क पे नमाज पढ़नी है, जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक क्रिया धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती, ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति अनुसंधान है, तो आप सड़क पे पढ़ने की जिद क्यों करते हैं? सार्वजनिक स्थान पे क्यों करते हैं? अभी आपने मॉल में बैठ के पढ़ लिया तो वो 15 मिनट की हो चाहे 20 मिनट। पांडे जी मैं कहना चाहता हूँ एक मिनट पांडे जी मैं कहना चाहता हूँ, आपको सरकार अनुमति देगी और हमको नमाज पढ़ने के लिए अनुमति क्यों नहीं देती है? आपको जो स्टॉल लगाने के पूरे तो करेंगे तो आपको सरकार अनुमति देगी और हमें अनुमति नहीं देगी। आप अनुमति मांगिए तो आप अनुमति मांगिए, आप तो पहले शुरू कर देते हैं। आपको मालूम हरियाणा में कितनी अनुमति दी गई? शासन ने लोगों ने अपने घर में हमें खोल दिए गए। आपने देखिए आपने अनुमति नहीं मांगा। अच्छा आप सार्वजनिक स्थान पर पढ़ना चाहते हैं अनुमति मांगिए, संविधान आपको अनुमति देगा। अगर नहीं देगा तो आप पढ़िए। ठीक है मैं मांगूंगा आप ही से मांगू, लेकिन अतिक्रमण नहीं होने होगा, बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा हो गया और कावड़ियों से क्या समस्या हो गई इनको? बहुत शुक्रिया नितिन जी कि आपने इस बहस में मुझे शामिल किया। देखिए ये ओवैसी जी का जो ट्वीट है या बयान है ये पूरा राजनीतिक स्टंट है एक, और वो भी राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीति कर रही है, और जाहिर सी बात है कि जब राजनीति दोनों ही कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा भी और अन्य दल राजनीतिक हमारे देश में मौजूद हैं, तो हर आदमी हर राजनीतिक पार्टी का मुखिया अपने तरीके से बयान देता है। ओवैसी जी ने जो बयान दिया है देखिए कहीं ना कहीं वो भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी शरीयत के हिसाब से कहा जाता है एक सुन्नत, लफ्ज सुन्नत जो है जैसे कि अगर हम आपकी कोई चीज़ फॉलो करें तो हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो ओवैसी जी ने भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन्नत अदा की है ये, इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए वो भी अपने धार्मिक ही राजनीति करते आए, वो भी धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, दोनों तरफ बराबर की आग है, दोनों तरफ बराबर का मामला है। और जहाँ तक कांवड़ियों का मामला है देखिए नितिन जी, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर फोटो वायरल हो रहे हैं कि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग टोपी भी लगाए हैं, लंबी लंबी दाढ़ियाँ भी हैं, और कांवड़ियों के पैर भी धुला रहे हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। और जहाँ तक सरकार का मामला है तो खाली पुष्प वर्षा कर देने से उन कांवड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए सुविधाएं धरातल पर होना चाहिए, जमीनी सतह पर काम होना चाहिए, जो भाजपा नहीं कर पा रही है। कांवड़िया देखिए कांवड़ियों का ही नहीं मामला है, जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी पर वक्ता कर रहे थे ईद और बकरीद, देखिए मसला ईद बकरीद का नहीं है, वो बात सुरक्षा की है। आप पूरी तरह कांवड़ियों को सुरक्षा दें और सुरक्षा ही ना दें बल्कि उनको सुविधाएं भी दें। खाली
पुष्प वर्षा करने से, अभी पुष्प वर्षा कर दी तो इतनी समस्या हो रही है नितिन जी, पुष्प वर्षा करने से एक एक राजनीति, ये भी एक राजनीतिक संदेश है, जमीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है, खाली पुष्प वर्षा कर देने से वैसी जैसे लोगों को एक मौका मिलता है कि बयान देने का और राजनीतिक स्टंट करने का, कुल मिलाकर के कांवड़ियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो तो इसको नमाज से जोड़ रहे हैं। और जहां तक देखिए सुन लीजिए, नमाज से जोड़ रहे हैं, हाँ नमाज से जोड़ रहे हैं वो। अब भाई हमने कहा ना कि राजनीतिक स्टंट है, और जहां तक नमाज की बात रही, जैसे अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला और काफी दिनों आपके यहाँ भी डिबेट, मेरी मैं भी शामिल रहा, कि लूलू मॉल में एक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर चंद लोगों ने नमाज पढ़ ली तो एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर बन गया, जबकि मुद्दा देश के अंदर विकास पर बात होनी चाहिए थी, रोजगार पर होनी चाहिए थी, शिक्षा पर होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य पर होना चाहिए थी, उस पर तो किसी चैनल पर बात नहीं हुई। बात कहा है पे वो लूलू मॉल में नमाज क्यों पढ़ी, भाई कोई कौन सा ये राजद्रोह का काम कर दिया मुसलमानों ने, या कौन सा देशद्रोही का काम कर दिया, रोक तो सारे सार्वजनिक स्थलों पर मतलब मजहबी प्रोग्रामों की है, धार्मिक कार्यक्रमों की है। तो जैसे भी हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब फरमा रहे थे, नईम सिद्दीकी साहब, के हालांकि ये बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे अशोक जी कह रहे थे वो अनुमति ली जाती है, भाई देखिए मंगल बड़े मंगलों पर जो भंडारे लगाए जाते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, अब इन्होंने कहा है तो मैं मान लेता हूं कि अनुमति ली जाती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से अथा किए जाते हैं, और ये अच्छी बात है किसी भूखे का पेट भरे, और भूखे का पेट ना भरे वहां तो खैर बड़े बड़े लोग भी, क्योंकि वो एक प्रसाद होता है, एक तबर्रुक समझ करके, हमारे यहाँ भी मुहर्रम में तमाम तरीके के तबर्रुक बढ़ते हैं, लेकिन नितिन जी समस्या वहां पर पैदा होती है जहां पर एक आईएएस और एक आईपीएस खड़ा होकर पुष्प वर्षा करे। ये देखिए आईएएस और आईपीएस का सम्मान नहीं है, ये बल्कि अपमान है आईएएस और आईपीएस का, मैं समझता हूँ इससे सरकार को बस बचना चाहिए, बाकी सरकार कांवड़ियों को सुविधाएं दे, हम इसके पछता रहे। नहीं नहीं, लखनऊ में साबरी साहब जब जुम्मे की नमाज अभी कुछ दिन पहले हुई थी, तब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने फूल दिया था आप लोगों को, बिल्कुल दिया था, मालूम है, मैं स्वीकार करता हूं। वाली मस्जिद सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए मसला ये नहीं फूल दिया, मसला ये कि उससे एक दिन पहले एक पोस्टर लगाया गया जिसमें 12 से और 20 साल के बच्चों का फोटो लगाया गया कि ये इनकी ये अराजक तत्व है, जहां भी मिले मुझे सूचना दी जाए, बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसका मतलब ये था कि पुलिस उनको अपराधी बनाना चाहती थी, या फिर पुलिस की मंशा थी कि लखनऊ के अंदर विवाद पैदा कराना, सांप्रदायिक दंगे का माहौल पैदा कराना। इसलिए जब वो डिबेटों पर चल गया मामला और लोगों को ये आपत्ति हुई, तब पुलिस ने एक सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए उनको फूल दिए। बाकी फूल वूल का जो मसला है, आज तक ऐसा नहीं हुआ नितिन भाई, पहली बार देश में हुआ है कि पुलिस वालों ने मुसलमानों को फूल दिए। जिस पोस्टर के बारे में आप बता रहे हैं, उस पोस्टर के लगने के बाद पुलिस ने खुद बयान जारी किया गया था कि पोस्टर हमारी तरफ से लगाया ही नहीं गया है, हाँ, किसी और ने लगाया है। यही तो सवाल पैदा होता है नितिन जी, कि जब पुलिस ने ये बयान जारी किया कि हमारे पोस्टर नहीं लगाया था, तो बड़ा सवाल है कि वो रातों रात जिन्नात तो लगा नहीं गए थे, ना कोई रावण लगा गया था, ना कोई वो क्या नाम क्या बोलते हैं जो कब रूह कब्ज करते हैं आपके, क्या कहते हैं क्या नाम, नहीं 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 वो जो चलिए कुछ भी कहते हो, बहरहाल कुछ भी कहते हो, तो वो तो लगा नहीं गए थे। पहले पुलिस वालों ने रिक्शे वाले को भेजा उस पोस्टर को नोचने के लिए, जब लोगों ने भगा दिया तो चाय वाले को भेजा, जब उसको भी लोगों ने भगा दिया तो खुद पुलिस वाले नोचने आए। अब बताइए उस पर लिखा है लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस, नीचे लिखा है कि बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और इंस्पेक्टर का उसके अंदर मोबाइल नंबर मौजूद था। ये तो अजीब सा मजाक की बात नहीं लगती आपको, हास्यास्पद नहीं है कि पुलिस कह रही है कि हमें मालूम ही नहीं किसने लगा दिया? ठीक है पांडे जी, कुछ कह रहे हैं पांडे जी। मैं अभी आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन आपने एक बात कही कि अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता कि अधिकारी करें, क्यों नहीं करें अधिकारी? उनको आपकी समझ को लिए बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे, एक बड़े चैनल पे तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, उनकी जानकारी में इजाफा करना चाहूंगा कि ये लोक सेवक है, आईएएस आईपीएस खुदा नहीं है, ये लोक सेवक है, और ये जो लोक सेवक है ये शपथ लेते हैं राज सेवक की, कि हम राज सेवक के रूप में समाज की देश की सेवा करेंगे, ना कि धर्म की किसी भिन्न की सेवा करेंगे। लेकिन इनको राज सेवक से राज स्वामी बनाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आईपीएस आईएएस ऐसा करें। अशोक जी यही आईएएस आईपीएस पे जब आप लाठी चलाते हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, तब हम आपसे पूछेंगे। और इनको इनको करना पड़ेगा, यही करना है उनको, असली जगह दिखाया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज तक 40 सालों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में, 40 के पूर्व का भी होगा, लेकिन 40 साल के शासन का रिकॉर्ड है कि जितने लोग सस्पेंड नहीं हुए उससे ज्यादा लोग बर्खास्त किए गए हैं और उनको जबरन सेवानिवृत्त किया गया है। तो ये जो हक था हकराना,
वो हकराना खत्म किया गया है। आपको सेवा करनी पड़ेगी, आप लोक सेवक है, आप राज सेवक है, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी, इन लोगों की दिक्कत क्या है? दिक्कत पुष्प वर्षा है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, मुस्लिम समुदाय को लेकर के है, सब कुछ तो हो रहा है फिर भी डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, क्या दिक्कत है इन लोगों को? देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है। एक मशहूर शायर का शेर याद आ रहा है, उसके फरोगे हुस्न से चमके है सब में नूर, शम में हरम हो या के दिया सोमनाथ का, शम में हरम हो या के दिया सोमनाथ का। एक कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर जो अमन भाईचारा बना हुआ है, ओवैसी साहब जैसे लोग, वो उस अमन भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। पुष्प वर्षा जो नई बात नहीं है, इसके पहले 5 साल के पहले जो सरकार थी योगी की, तब भी होता आया है। और कांवड़ियों जी यात्रा है, ये हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बता भी दिया है कि भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है और सावन का एक पवित्र महीना है। ये कोई चीज आज से शुरू हुई नहीं है कि नहीं अभी शुरू हो गई है, जुमा जुमा 4 दिन हुए या महीने भर हुए। ये सनातन धर्म की प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। ओवैसी साहब के पास कुछ बचा नहीं था तो वो क्या करे, बैठे बिठाए कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे ये मसला उठा दिया। आर्टिकल 25 का उन्होंने जिक्र किया था, आर्टिकल 25 के अंदर बिल्कुल ये हमारे धर्म के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी है मानने की, बिल्कुल वास्तविकता है। तो जिस प्रकार ये चीजें चल रही है कि कांवड़ी अगर जा रहे हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं जो लोग सार्वजनिक जगह पे, उनके ऊपर कैस क्यों होता है, FIR क्यों होती है, तो एक सिगुफा था छोड़ने के लिए। ये बहुत पहले से चली आ रही प्रथा, लखनऊ का जिक्र हुआ इसके अंदर, ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सारे जुलूसों को मतलब इलीगल किया जाता है, ऐसे बहुत से जुलूस आपको मिलेंगे जिनकी अनुमति नहीं ली जाती। तो क्या प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती? नहीं करती ना। वो मुस्लिम धर्म की एक प्रथा जो जुड़ी हुई है, हर चीजों को मानने के लिए मानते हैं, तो एक जो चली आती है कि अनुमति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो हर चीजें अनुमति के दायरे में। साबरी साहब कह रहे थे कि अगर नमाज पढ़ लिया लुलु मॉल में तो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? नहीं तो ये आमिर साबरी साहब दूसरे चले गए, मामला कुछ और है, वो लुलु मॉल पर चले गए डायवर्ट करने के लिए। वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर जैसे कि उनके MD जो यूसुफ अली, अगर उन्होंने मॉल बनाया, अगर वहाँ पे कोई नमाज पढ़ने चला जाए, तो जो हिंदू धर्मावलंबी अगर उन्होंने कोई अपना मॉल बनाया, वहाँ कल को पूजा पाठ शुरू हो जाए तो विवाद तो वही हो गया ना आखिर में। जो चीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान है बिजनेस के पर्पज से, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पज से लोग जाए, वहां पे सब धर्म के लोग जाते हैं, हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है। वो एक जन नमाज पढ़ेंगे तो एक जन फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कल को वहां पे गुरुवाणी भी होनी शुरू हो जाएगी, कल को वहां मोमबत्तियां भी जलाना शुरू हो जाएंगे। तो वो मॉल मॉल न होकर एक धार्मिक प्रतिष्ठान बन जाएगा ना वहां पे, वो तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बचा नहीं। तो वो चीजें अगर वहां पे हो रही तो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे नईम भाई को देखना जी, नईम भाई ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं इनकी बात से ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की बातों से, उनके बयान से पूरी तरह सहमत हैं वो, जबकि उनको ये बोलना चाहिए कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ये सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। हाँ, जो जुम्मे की बात की, उसके अंदर आप अपनी बात को बोल सकते हैं कि हाँ, जुम्मे की जो नमाज होती है, अगर 15 से 20 मिनट की जो नमाज है, अगर परिसर में जगह नहीं है तब। लेकिन यहाँ पे मैं नईम भाई ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सी मस्जिदें ऐसी है जिसके परिसर के अंदर जगह होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी नमाजी ऐसे हैं जो रास्ते पे आकर नमाज पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की मिसाल थी गेटवे ऑफ इंडिया की, मैं भी आपको एक महाराष्ट्र की मिसाल देता हूँ। महाराष्ट्र नहीं, फिर आप लोगों को मैं आऊंगा। नहीं भाई, सुन लीजिए, गेट ऑफ इंडिया की बात की थी, नहीं इंडिया गेट की बात, ठीक है, प्लीज सुन लीजिए। आप लोगों को क्षेत्र मेरा नॉलेज नहीं है, जैसे नेता भाजपा जी के, उन्होंने कहा 6-6 महीने के बाद में आती है। सुनिए बिल्कुल, और नाम महाराष्ट्र में भिवंडी नाम की जगह है। सुनिए, मैं इसी बात का परमिशन है, आप लोग आते हैं वर्ल्ड डिबेट और नमाज की बात उसी में। भिवंडी महाराष्ट्र के अंदर ठाणे जिले के अंदर एक क्षेत्र, वहां पे आस बीबी मस्जिद है, आप उसको पता भी कर लीजिए अगर कोई आपके रिलेटिव होंगे तो। वहां पे हर जुमे को नमाज होती है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, अंदर मस्जिद का जो परिसर होता है बाहर तक खाली जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं, नमाज ही नहीं हो सकती है। कल्याण भिवंडी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मस्जिद खाली रहे बाहर, ये हमारे वहाँ है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा, खाली गलत कह रहे हैं आप। जब कतार बन जाती है तो उसके पीछे की कतार रहती है, उस कतार पे आइए ना, कतार पे आइए ना, कतार को छोड़ के एकदम बाहर की तरफ क्यों आ नहीं, नहीं गलत गलत तो इसको कवर करिए। जिस तरह लुलू माल, देखिए आप आज भी डिबेट पे यही कर रहे हैं, वही लुलू माल पे, मैंने लुलू माल की बात नहीं की, बिल्कुल ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। आरिफ अभी हमारे साथ सपस है। आरिफ भाई, आपने ओवैसी साहब का बयान सुना होगा डिबेट में, अब तक क्या हुआ ये भी आपने सुना होगा, आपका क्या पक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? बात देता हूँ जी,
और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मैं आज इस डिबेट में बैठा हूँ। देखिए दोनों तरफ एक पक्ष है और एक विपक्ष है। एक शेर याद आ गया है कि तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी। तो ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं फ्रेंडली ये पैकअप है कि आप ऐसे बोलेंगे तो एक वर्ग डाइवर्ट होकर के पोलराइज होकर के आपकी तरफ चला जाएगा और दूसरा मेरी तरफ आ जाएगा। अच्छा मतलब इसमें भी राजनीति है, सब मिला करके, सब मिला करके। हाँ नहीं तो इस बार का ये बयान जो है ओवैसी साहब का ये तो बीजेपी के अगेंस्ट है ना भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। दोनों लोगों के बीच में भी जी कुछ लोग हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती से लेकर के चलना चाहते हैं, उन ताकतों को कमजोर करने के लिए ये दोनों लोग आपस में मिल करके इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि एक वर्ग उधर चला जाए और एक वर्ग इधर चला जाए, बंटवारा हो जाए। लोकतंत्र की बात ना तो वो कर देखिए, मैं किसी के बीच में बोला नहीं था प्लीज। जितने भी नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। जितने भी हमारे साथी बैठे हुए मेरी बात सुन लेंगे उसके बाद तभी बोलेंगे। हाँ हाँ बोलिए 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 आप, कोई नहीं बोलेगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों लोग जो हैं, आज ये जो परंपरा नई नई है, कावड़ यात्रा हो, चाहे ईद बकरीद की नमाज हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे कोई भी धार्मिक जुलूस हो, वो सैकड़ों बरस से भारत में और उत्तर प्रदेश में होता चला रहा है। और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती थी उसको लेकर के शांतिप्रिय नागरिकों और गणमान्य नागरिकों के द्वारा जनपद स्तर पर बैठकें होती हैं और उसको बेहतर तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश प्रशासन करता। इस पर सवाल तो कहीं उठाना ही नहीं चाहिए। हाँ इसके अतिरिक्त सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो इन यात्राओं में अपनी सहभागिता निभाते हैं, उससे भाईचारा और हमारी एकता मजबूत होती है। यही एकता भारतीय जनता पार्टी को और ओवैसी साहब को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इस तरह नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को आप बीच में क्यों ला रहे हैं, मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। बता रहा हूँ क्यों, ये जब बयान देंगे हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी। हाँ। जब अपना पक्ष रखेगी तो दोनों तरफ के लोग पोलराइज होंगे। अच्छा और जब आने वाला दिन होगा चुनाव का हाँ। तो एक तरफ दो तक दो लोग एक एक तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब आपको घाटे में रखने का एकदम प्लान चल रहा है इन लोगों का। आरिफ हबीब साहब लोकतंत्र को मजबूती से भविष्य भविष्य आपका खतरे में है। आरिफ साहब अरे मुसलमानों ने प्रदेश के तो आपको वोट दिया था, ओवैसी को कहां वोट दिया है? उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन कहां बिचारों को वोट मिला? वरना आप 5 सीटों पे होते, ओवैसी 100 सीटों पे होते, आपको 110 मिली मुसलमानों को दौलत है। 111 एक और बढ़ाइए 111 जी। 36 सीटों पर ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी को हराया। और अगर ये कहा जाए कि आपने ओवैसी को एक सीट नहीं मिलने दी तो कैसा लगेगा ये बताइए पहले। ओवैसी नहीं लड़े थे आजमगढ़ में तो लड़े दोनों सीटें। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन दलों को मिलाकर के 124 सीटें पाई है। आप ये बताइए कि ओवैसी साहब कहाँ खड़े? अरे राजभर कहाँ भाग गए और शिवपाल कहाँ भाग गए? आप क्यों बताएंगे मुद्दे की बात करिए। चलिए गठबंधन नहीं, गठबंधन में किसी दिन, अभी जो मुद्दा है उस पर बात करिए। आज का जो डिबेट का मुद्दा है अभी के मुद्दे पे बात करिए। हाँ अभी के मुद्दे पर बात करिए। अगर ओवैसी साहब कोई एक सीट लेकर के आए हो अच्छा, तो कहिए कि ओवैसी साहब का नुकसान हमने। आरिफ साहब एक बात बताइए ईमानदारी से, ओवैसी जी अपनी पार्टी के नेता है, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो चुनाव लड़े या उन्हें नहीं लड़ना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल लड़ना चाहिए उनको। इतना दर्द क्यों है भाई, क्यों दर्द है इतना भाई? हैदराबाद में भी उनको लड़ना चाहिए। हाँ तो लड़ रहे हैं, उनको हैदराबाद में भी लड़ना चाहिए। तो आपको क्या जानकारी नहीं है इसकी कि वहां से सांसद भी हैं? तीन बार खड़ा है वो। नहीं हैदराबाद में जितनी सीटें हैं सब पे लड़ना चाहिए। बात करते हमेशा रहते चले आए सांसद, वो आज भी हैं। हाँ बोलिए। उनका जो उनका गृह प्रदेश है, जो उनका गृह प्रदेश है उस प्रदेश में वो सारी सीटों। छोड़िए हम उनके पॉलिटिकल करियर पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हम उनके पॉलिटिकल करियर पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी जो मुद्दा उस पर अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मैं सिर्फ
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा एक शेर के जरिए कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत आप के शेर बहुत सुना रहे हैं राहते जी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहते और भी है वस्ल की राहत के सिवा। थैंक यू, मैं आऊंगा। ये सब मुद्दे जान करके छेड़े जाते हैं। ठीक है, ठीक, ताकि जो मूल मुद्दे हैं, 272,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, 2017 से कोई भर्ती नहीं हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर होती जा रही है, बिजली विभाग में भर्ती नहीं हो रही है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पुराने हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उन्हीं पर सरकार काम कर रही है, और कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों को छोड़ करके सांप्रदायिक मुद्दे ये उठाए जाते हैं, ये दोनों लोग आपस में पैकअप किए हुए। ठीक है, ठीक है। ये अशोक जी ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें आपका और ओबीसी साहब का खेल चल रहा है? बड़ी बात यह है, मैंने कहा ना कि उनका तो खाना ही हजम नहीं होगा। हाँ। जहाँ उनके पास इसके सिवा कुछ कहने को है नहीं। हाँ। जहाँ संस्कार नहीं होता, सत्कार नहीं होता, सम्मान नहीं होता, वहाँ राजनीति में स्थान नहीं। और यही कारण है कि आज उनके ही कुलपे में भगदड़ मची हुई है, वो उसको बचा नहीं पा रहे। और बजाय बचाने के उनका अंदरूनी मामला है, उन्होंने क्या किया, लेकिन उसका असर समाज पे पड़ता है। मैं भी कहूंगा कि जितनी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की 90-95 योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी योजना है जो भेदभाव के साथ की जाए? सभी योजनाएं बिना भेदभाव के साथ सबको समाज में हिस्सा मिल रहा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी पर जात का भेद नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। और हमने कितने लोगों को क्या दिया है, ये समाज के लोग कह रहे हैं। और यही कारण है कि 40 वर्ष बाद इतिहास बदला और दोबारा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा जीत करके आए। अभी इसी परिस्थितियों में अगर आप देखिए कि अगर हमने अल्पसंख्यक की व्यवस्था में भी मुस्लिम भाई की चिंता की है कि उनके समाज में सुधार होना चाहिए, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। आज ये को नहीं दिख रहा है कि जो कांवड़ यात्रा के लिए भी हमारे भाई बहुत चिंतित हो रहे थे कि उनके लिए सुविधा होनी चाहिए थी, तो आज पक्की सड़कें चमचमाती हुई सड़कों पर लोग चल रहे हैं, एक के सापेक्ष में 5 हमने एक्सप्रेसवे दिए हैं, एक धस गया भी। अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम इसके साथ ही साथ बिजली, जो उत्तर प्रदेश में अंधकार मुगारा करता था, आज उत्तर प्रदेश में बिजली जगमगा रही है, बिजली स्वागत करती है और बिजली ही बताती है कि हाँ ये उत्तर प्रदेश है। पहले अंधकार बताता था कि ये उत्तर प्रदेश है, अब ये भेद दिल्ली से लेकर के आप आगे चले आइए, पता नहीं चलेगा आपको, बाद में लगेगा कि हाँ हम उत्तर प्रदेश में आ गए। बुंदेलखंड के बारे में हम जो कार्य कर रहे हैं, वो एक साथ में बुंदेलखंड के बारे में भी जरा सा जहां जहां पूरी व्यवस्था ऐसी थी कि एक वर्ष में 300 से ज्यादा दंगे हुए अखिलेश जी के राज्य में, आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं। हम दंगे के खिलाफ काम कर रहे हैं, समाज में सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, एक प्रेम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, और वही कानून का राज है कि आज यहाँ पर 3-3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई और बड़ी बड़ी यूनिट लग रही है, 4,00,000 लोगों को नियुक्ति हमने दी है। हम शिक्षा के संग खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं कि पान लगाने वाले को मौलवी उर्दू कर लिया, पैसा लेकर के उसको हमने शिक्षक बना दिया, जिसको भारत का भूगोल नहीं मालूम, इसको उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं मालूम, आपने उसको बना दिया, मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम, ऐसा आपके चैनलों पर बहुत चैनलों पर चला जी। लेकिन आज हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया है, और शिक्षा ही किसी देश की पहचान होती है, उसका आईना होती है। ठीक है सर, इसलिए हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा, अगर आज कोरोना काल में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना रही होती, इस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबके साथ खड़े हुए होते, लोगों को अन्न वितरण ना हुआ होता, तो मरने वालों की संख्या क्या होती? वैक्सीनेशन भारत में बनी, इसके बाद भी इनकी जुबान में कभी ये नहीं आता, अरे भाई विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप विरोध करिए, विपक्ष का मतलब है कि जो अच्छी बात है उसकी प्रशंसा भी करिए। ठीक है, ठीक है। हरी भाई, हरी भाई, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, साबरी साहब कुछ कह रहे थे। ठीक है हरी भाई, मैं आऊंगा। साबरी साहब क्या कह रहे हैं? अशोक भाई हमारे जैसा कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी हमारे, कि इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले पूरा देश अंधकार में डूबा हुआ था, अंधेरे अंधेरा था, चारों तरफ बिजली कहीं थी नहीं। दूसरी बात, जिस पुलों की बात कर रहे थे, अभी देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, 4 जगह से धस गया, अभी उसका उद्घाटन हुआ है, आप लोगों को सब कुछ नेगेटिव ही क्यों दिखता है? दूसरी बात सुन लीजिए, एक बड़ा मसला सुन लीजिए, जैसे अभी हमारे नितिन जी कह रहे थे, हमारे एंकर महोदय, कि एक मसला इन्होंने उठाया था सब्सिडी का, मुझे, मैं उस टाइम बोलना चाहता था लेकिन चूंकि समय नहीं दिया गया मुझे,
तो कुल मिलाकर के जो सब्सिडी का मामला था हज वाली सब्सिडी, तो नितिन भाई वो कई सालों पहले बंद हो चुकी है, जिसका हमने स्वागत भी किया था। हम नहीं चाहते हमें सब्सिडी मिले। अच्छा। और शरीयत में हमारे है भी नहीं कि आप भीख के लिए भीख मांग करके आप हज पे जाएं या भीख मांग करके कुर्बानी करें, क्योंकि पैसे की कुर्बानी हो, चाहे खुद जिस्म की कुर्बानी हो, जान की या किसी अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाए, आपकी अपनी मेहनत की होना चाहिए, अपनी कमाई होना चाहिए, वो भी जायज कमाई होना चाहिए, नाजायज नहीं। ये भी बड़ा सवाल है। तो अब सरकार का पैसा जो है, सरकार जो सब्सिडी देती है, उस पर हमारे बड़े उलमा को भी आपत्ति थी, हमें भी आपत्ति हुआ करती थी कि इसमें सरकार में शराब का भी पैसा होता है और टैक्स का भी पैसा होता है, पता नहीं किस किस का किस तरीके का पैसा, तो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत बार हमारे उलमाओं ने मांग भी की थी, इससे पूर्व में जो कांग्रेस सरकारें थी, तो उन्होंने नहीं करी। वो तो एक लालीपाव वाला मसला था, तो वो रहा। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जब इसको खत्म किया सरकार ने, तो सारे मुस्लिम उलमा ने, सारे मुस्लिम विद्वानों ने इसका स्वागत भी किया। जब आप लोगों ने स्वागत किया तो फिर डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला नहीं आना चाहिए। कहां आया, किसने उड़ाई? तो राजनीतिक स्टैंड मैंने पहले कह दिया। दूसरी बात ये नहीं है, बात देखिए फिर वही समझिए। हमें कांवड़ यात्रा से या सार्वजनिक जगहों पर भंडारों से, भाई बहुत अच्छा काम है भंडारा, तो इसलिए कि तमाम भूखों का पेट भरते हैं। तमाम रिक्शे वाले जो बेचारे भूखे रह के दिन भर रिक्शा चलाते हैं, कम से कम इन्हीं महीने में 4 बार या 5 बार मिल जाती है फ्री की पूड़ी और सब्जी अच्छी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आदमी खुद नहीं खाता अच्छा, वो दूसरे को अच्छा खिलाता है। भाई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है अशोक जी, ये चश्मा आप देखिए, हमारा मसला ही नहीं है। नहीं, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो आदमी जो खुद नहीं खाता, अपने से अच्छा किसी गरीब को खिलाना चाहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तबर्रुक हो या प्रसाद, आदमी अपने से अच्छा खिलाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। और ना ही कांवड़ियों तो किसी मुसलमानों को, किसी मुस्लिम समाज को कोई, बस मसला वही है कि जब एक मैसेज, एक संदेश दिया जाता है हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, उससे तकलीफ होती है। और यही उनका राजनीतिक जो स्टंट है, जो राजनीतिक बयान आया है माननीय ओवैसी जी का, उसी आईने में और उसी नजरिए में, उसी दृष्टिकोण से, दृष्टिगत तरीके से देखा जाना चाहिए। इसको समाज से या धर्म से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नाइम से देखिए क्या पॉलिटिकल माइलेज। जी, मेरा ये कहने का मतलब है देश की एकता और एक अखंडता को बरकरार रखना चाहिए, और देश में कोई ऐसा माहौल नया ना पैदा करे जिससे दूसरे भी लोगों को वर्ग को परेशानी हो। सबसे पहली बात यह है कि आपके धर्म से मुझे भी आस्था है, क्योंकि किसी भी धर्म को, हमारे प्रॉफिट पैगंबर ने कहा है कि किसी भी धर्म को आप गाली दोगे पलट के वो तुमको देगा, किसी के देवता को तुम गाली दोगे तो वो तुमको देगा, तो हमारे और किसी के पिता को गाली दोगे तो वो आपके गाली पड़ेगी। सवाल यह है कि अशोक जी, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, ना असदुद्दीन ओवैसी ना भाजपा, भाजपा भी जो काम कर रही है, जो वो अच्छे कर रही है, वो सराहनीय है। जो जहां पर मुस्लिम के समुदाय के लोगों को, मान लिया कि अभी आपका सीएनआरसी को लेकर हुआ, आए वहां पर ड्रोन कैमरा भी चला, खूब लोगों के फोटो खींचे। अभी मैं कह रहा हूं कि आपके लोगों की कंवड़िया जहां लोग जा रहे हैं, क्या वो लोग भी कभी शरारत करते? अभी कुछ लोगों को देखा कि जरा सी कार एक्सीडेंट हुई तो पूरी कार उन्होंने तोड़ डाली है। तो यहां पर इन लोगों को भी चाहिए। अभी हमारे जामा मस्जिद पे टीले वाली पे नमाज हुई, लोगों ने फूल दिए अधिकारियों ने, मैं उनका भी वेलकम करता हूं, लेकिन उसी में भी इधर देखिए लोग कैमरे लगाए हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं, ड्रोन कैमरे से खींच चल भी रहा है। तो ये चीजें इकलौती नहीं होना चाहिए, आपके साथ में भी होना चाहिए कि आप लोगों ने भी कहीं पे कोई शरारत की, वो भी तो एक चश्मे से देखना चाहिए, दो से अशोक जी नहीं देखना चाहिए। तो दो से तो आप लोग देख रहे हैं ना, अशोक जी कहां देख रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो तो कहीं रहे सबका साथ सबका विकास। यानी हमें तो सबका साथ सबका विकास। जी 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 जी, मैं आपका विकास का बहुत, नहीं साहब जी, बहुत अच्छी बात है। जी क्या भूल जाते हैं? अभी आपने कहा सार्वजनिक, सुन लीजिए सार्वजनिक, ये बताइए रेलवे, नहीं नहीं लगता है कि, अरे अशोक जी, अशोक जी ये बताइए पार्क सार्वजनिक है कि नहीं है? पहले बताइए हमें, पार्क सार्वजनिक है कि नहीं है? पार्क बताइए, सार्वजनिक है? आपके कौन से पार्क में जो है, किसी कोने में जाइए, वहां टेंपल नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा, यहाँ पे वो नहीं होगी जहां पे पूजा नहीं हो रही, आप बता दीजिए। लोगों को डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है, आप बता दीजिए हमको। किस पार्क की बात करेंगे आप बताइए? मेरी मस्जिद किस पार्क के अंदर बना दी गई है? कौन पार्क के अंदर नमाज पढ़ता है? कॉलोनिया, बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ जी। जब कॉलोनिया विकसित की गई जी, तो ये कमी, ये गलती जो कुछ भी है जी, जी। ये कॉलोनिया विकसित करने वालों अधिकारियों की है जी, जी। कि उन्होंने वहां पे कोई बाजार नहीं रखा। ठीक, आज इतना बड़ा गोमती नगर है जी, मैं खुद गोमती नगर में रहता हूँ जी जी जी, और आप एक तरफ कह रहे हो कि व्यवसायिक दुकान नहीं चलने देंगे जी, लेकिन आपने कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरे गोमती नगर में नहीं दिया जी जी।
आपने कोई पूजा के लिए स्थान गोमती नगर में नहीं दिया, आपने कोई अस्पताल के लिए स्थान गोमती नगर में नहीं दिया, तो ये कमी तो उनकी है। अगर आपने पूजा के लिए भी स्थान अलग चिन्हित कर दिया होता कि मंदिर यहाँ बनेगा, मस्जिद यहाँ बनेगा, कॉलोनी विकसित करने में, तो कोई पार्क में नहीं बनाता। और वरना समाज में जो लोग रहते हैं उनको पूजा का भी स्थान चाहिए होता है, वो भी अनुमति के साथ ही है। किसी ने अब जो सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं, जो आदेश है कि 1956 की स्थिति को माना जाए, बरकरार रखा जाए, नवीन निर्माण चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, बिना प्रायर अनुमति के बनने नहीं दिया जाएगा। अगर निर्माणकर्ता कोई है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई है वो 20 साल की आजीवन कारावास है। तो इसलिए कोई निर्माण ऐसे नहीं हो रहा है। अच्छा। जो पहले हुआ वो भेदभाव मास्टर प्लान का था, वो कमी का था, और हर कमी को समाज पूरा कर लेता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अच्छा, तो ये बताइए अशोक जी, ईमानदारी से चिन्हित करके वो मस्जिद तमाम, वो मंदिर तमाम, जो अवैध बने हुए पार्कों में, मस्जिद हो चाहे मंदिर, आपकी सरकार है, आप तोड़वा दीजिए। बुलडोजर का बाबा का तो मशहूर है ही ऑलरेडी। अरे आप, अरे हाँ, तो आप सरकार में है, बाबा का बुलडोजर भी है, बाबा की सरकार भी है, आप इंसाफ से सारे तोड़वा दीजिए। हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पे, हम आपके साथ हैं। न्याय का बुलडोजर है, नहीं वो न्याय ना, ये बेइंसाफी की बात है। हमने लाउडस्पीकर उतारा, सबसे पहले लाउडस्पीकर मंदिरों के उतरे, उसके बाद हमने कहा विरोध किया, आप ये नहीं कह सकते। नहीं, हमने कहा विरोध किया, हमने स्वेच्छा से उतार दिए, भेदभाव के काम करते नहीं, हमने स्वेच्छा से उतारी है, ऐसा नहीं है कि हमने विरोध किया। बाबा का बुलडोजर समाज में एक इस बात का प्रतीक है कि वह निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, कानून का, संविधान का द्योतक है बाबा का बुलडोजर। न्याय का बुलडोजर है, न्याय का बुलडोजर। खारगोन में साहब क्या न्याय का बुलडोजर चला था मध्य प्रदेश में? ठीक है, नहीं भाई, 40 लोगों के मकान तोड़े गए थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। नहीं भाई को लेके चलना पड़ेगा लगता है। इंडिया गेट से इलाहाबाद भी देख लीजिए। अरे आप उत्तर प्रदेश भी, अरे अशोक जी, आपको हर 6 महीने के बाद ईद करते हैं, आप पहले वो पढ़ लीजिए, आप जरा इतिहास की जानकारी कर लीजिए। ओवैसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, 1 माह के लिए 6 महीने जी, 6 महीने पे आप ईद ले आते हैं। बताइए कि ओवैसी साहब ने जो बोला था उनके बयान का समर्थन करते हैं पर क्या, जो हर ओवैसी साहब ने जो बोला कि उनके बयान का समर्थन करते हैं, नाम के बाद बयान का सुनिए, के लिए 1 महीने की सुरक्षा व्यवस्था रहती है और स्वच्छता व्यवस्था रहती है, खाली सुरक्षा नहीं। मैंने तो कहा, तो ध्यान दीजिए, आप बार बार कह रहे हैं है सर। 1 महीने के लिए स्वच्छता व्यवस्था, 1 महीने की सुरक्षा व्यवस्था, और जो साल में 2 बार आती है, आप इस बात को मत कहिए, जो नहीं, समाज नहीं, में सबके लिए साफ है, आपके भी सबकी चिंता की जाती है, आपके भी पर्व बहुत काफी है, आपके भी दीपावली है, होली है, दिवाली है, सारे पर्व है, हमारे तो बस 4 दिन की त्योहार है, लड़ाई मत शुरू करिए, हमारे ईद बन रही मुहर्रम, 3 त्योहार है, 3 त्योहार है हमारे। नहीं भाई, आप बताइए, आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं ना? मेरे ओवैसीद्दीन जो है, ओवैसी साहब मेरे कोई रिश्तेदार है ना, मैं उनको लीडर मानता हूँ। सुन लीजिए, वो एक राजनीतिक है, विशेषज्ञ दूसरी बात, और रहे बात यहाँ पे भाजपा, इधर देखिए ये दोनों का, आप उनके बयान का समर्थन, ये इन दोनों का जो है खेल चल रहा है, खाली मुद्दों से भटकाने का। सुन लीजिए, ये मुद्दों से बयान का, सुनिए, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं ना ओवैसी का ना मैं भाजपा का, मैं ये चाहता हूँ कि देश के हित में काम होना चाहिए। आप ये दोनों को मुद्दे को भटका रही, सुनिए, भाजपा भटका रही, ना वो नौकरी दे पा रही है, ना वो किसी चीज की सुविधा दे पा रही है, बच्चों दे पा रही है। सवाल तो सुन ना, बताइए, मुझे ये बताइए कि आप क्या असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं? मैं किसी के ना ओवैसीद्दीन का कर रहा हूँ, ना भाजपा का कर रहा हूँ, भाजपा भी गलत है, भाजपा भी गलत है, ओवैसीद्दीन भी गलत है, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों रूप गलत है। जो काम, सुनिए सुभाष भाई, जो देश के हित में होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, क्यों, मैं क्यों कर रहा हूँ? आप स्पष्ट बोलिए, आप देश के हित में काम करिए, आपको जो बोलिए, अरे नहीं, आप स्पष्ट बोलिए, वैसे कौन है मेरा,
मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं देश में लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ के कह रहा हूँ। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं तो उसी बयान में उन्होंने खुले में मस्जिद को लेकर के वो नमाज को लेकर के भी कहा, मतलब आप उसका भी समर्थन नहीं करते? नहीं, मैं नमाज के लिए ये कह रहा हूँ कि नमाज में अब तो सारी बंद हो गई है नितिन जी, आप समझ लीजिए। अब आपने देखा लखनऊ में कहते थे लोग कि जुमे के नमाज में ये लोग सब पूरे वो फैलाते हैं, पूरा संगठन बनाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, खाली जुमे में करते हैं। अब जुमे में कितने जुमे हो चुके हैं? सारी बातें छोड़िए, सिंपल सवाल का जवाब, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं करते? मैं दोनों को बताऊंगा, ना ओवैसी का समर्थन करता हूँ ना मैं भाजपा का करता हूँ। जो देश के हित में कहेगा वो चाहे भाजपा कहे चाहे ओवैसी कहे, ये दोनों ओवैसी साहब ने देशहित की बात तो की नहीं अभी उनके बयान में, क्या आपको लग रहा है उनके बयान से देशहित झलक रहा है? तो वो इन्होंने भाजपा ने क्या कहा? भाजपा ने क्या बोला? भाजपा ने कुछ बोला ही नहीं ना। भाजपा ने क्या बोला? बयान तो असदुद्दीन ओवैसी ने उनको भी तो काउंटर किया, बयान तो असदुद्दीन ओवैसी ने, आप तो खाली बोलिए उनको क्या उनके बयान समर्थन नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर काउंटर कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। काउंटर नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं, यानी आप समर्थन कर रहे हैं? मैं किसी के नहीं समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार काउंटर की वर्षा हो रही है मेरे गलत हो रही है। नहीं, मैं ये क्यों बोल रहा, मैं तो कहता हूँ फूल की वर्षा क्या हर एक चौराहे पे, हर एक चौराहे पे सेब की, उनके बयान का हम समर्थन नहीं करते, आप भी बोले हम नहीं करते। अरे मेरे लोग तो यार, मेरे लोग तो पैर बुलवा रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात बताइए। मेरे तो लोग पैर बुलवा रहे हैं, मेरे आप रमजान पे कब आके पक्ष रखिए, मेरे आप रमजान में आके, मेरे रमजान में आके क्या आपने कर दिया? किसी को टोपी पहना दी आपने? कुछ किया आपने? ठीक है प्लीज, आप अपना पक्ष रख ही नहीं रहे। मैंने दोनों को करता हूँ, यहाँ पे भी अपना पक्ष नहीं रखा नितिन जी। दूसरा, इन्होंने ड्रोन कैमरे की बात की थी, इन्होंने ये नहीं बोला ड्रोन कैमरा, अगर टीले वाली मस्जिद का इन्होंने जिक्र कर दिया कि वहां पर ड्रोन कैमरा घूम रहा है, या दूसरी जगह इन्होंने जिक्र किया कि वहां ड्रोन कैमरा घूम रहा है, तो ड्रोन कैमरा भैया घूम क्यों रहा है? हाँ, क्यों? उसके लिए आत्ममंथन आप करिए, कौन सा वहां आप करिए, कौन वो कर रहे हैं? आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ड्रोन कैमरा में आप पूजा करें तो पूजा है, क्योंकि हम करें तो पूजा भास है। बात तो स्पष्ट है कि आप पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को डिफेंस करते हैं। सही है, बहुत सही है। हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा बना हुआ उसको बढ़ाना नहीं चाहते, ये कोई नहीं मिटा पाएगा। चाहते तो उस दिन ओवैसी का बयान गंगा जमुनी तहजीब को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। आप क्या करेंगे? खंडन करते, आपने खंडन नहीं किया, आप कोई डिबेट में बैठ के नहीं कर पाएंगे। आकर उस दिन ओवैसी के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, कितना भी हो जाए यूपी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता का एक प्रतीक रहेगा और रहते रहेगा, आप समझ लीजिए। ठीक है आरिफ भाई, क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर डिबेट को खत्म करता हूँ। आपको ऑडियो को सिस्टम कर रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई बड़ी नमाज होती है जैसे ईद बकरीद या जुमे की, और कोई व्यक्ति लेट पहुंच गया और उसको ये लगा कि नमाज शुरू हो गई है, और अगर माइक ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा हुआ है और उसको अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दे रही है, तो वो वहीं पर रुक करके पढ़ सकता है, अपनी नमाज अदा कर सकता है। पहले ये इजाजत प्रशासन हमको देता था तो हम नमाज पढ़ते थे, अब हमको प्रशासन इजाजत नहीं देता है तो हम अपने परिसर में ही पढ़ते हैं। लेकिन इन केस अगर कोई आ जाता है ऐसा व्यक्ति जो लेट हो गया हो किसी कारणों से, तो उसको पढ़ने देना चाहिए। कम से कम सबका साथ सबका विकास का जो नारा है हमारी सरकार का, वो यही आत्मसात करेगा जब ऐसी परिस्थितियां बनी, पहली बात। दूसरी चीज, मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये मुद्दे है नहीं, ये मुद्दे उठाए गए, और इन मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से ध्रुवीकरण होगा, तुष्टीकरण होगा, और उसका फायदा किसको मिलेगा ये पिछले चुनाव में भी आपने देखा है और आगे आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का फायदा किसको मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा आपसी भाईचारा कायम होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, न्यायिक प्रणाली मजबूत होना चाहिए, हम विकास की ओर अग्रसर हो इस पर हमारी बहस होनी चाहिए, हम हिंदू मुस्लिम के विभेद को खत्म करके अपने समय को रायगा नहीं। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कावड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर के अब एक नया जो राजनीतिक बयान है वो जारी हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का, उस पर काउंटर भी बीजेपी का आया है। लेकिन इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, नुकसान पहुंचेगा हमारे और आपके बीच के रिश्तों को। तो हमें और आपको कहीं ना कहीं संभल कर रहना है, हमें और आपको इन बयानों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा ही और आपका नुकसान। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नितिन, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।